أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। السلام عليكم دوستو، मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमन ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास शुरू की थी और आज उस सीरीज़ का हमारा तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम बात करेंगे डेटाबेस यूज़र्स के हवाले से कि कौन कौन से ऐसे यूज़र्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, या कौन से ऐसे यूज़र हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेटाबेस को क्रिएट करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी डेटा के बारे में, उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। उसके साथ ही हम लोगों ने डेटा को एज अ रिसोर्स ऑफ द कंपनी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और आखिर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा को देखा था। इसके बाद दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे यूजर्स ऑफ डेटा बेस के, कि कौन कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो डेटा बेस को या तो क्रिएट करते हैं या फिर उसको एक्सेस करते हैं या फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स इन डेटाबेस इसको देखेंगे। अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ यूजर्स, कि वो जो यूजर्स हम पढ़ेंगे उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर यूजर्स ऑफ डेटाबेस नजर आ रहा है। The user of database is a person who make or use or maintain the database. के डेटाबेस यूजर से मुराद वो लोग हैं जो डेटाबेस को बनाते हैं या क्रिएट करते हैं या उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं या उसको मेंटेन करते हैं। अब जो डेटाबेस के यूजर्स हैं, दैट कैन बी कैटेगराइज एज, उनको जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जो है कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। हमारे पास पहला जो डेटाबेस का यूजर है, दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। देन एंड यूजर, हमारे पास जो दूसरे यूजर हैं वो एंड यूजर हैं, एंड द लास्ट वन इज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द एंड यूजर इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एक हमारे पास नेवी यूजर है और दूसरे हमारे पास सोफिकेटेड यूजर हैं। दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर जो है, बल्कि इसके बाद जो कुछ स्लाइड्स हैं वो हम इनके ऊपर लगाएंगे और बारी बारी हम देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कौन से यूजर्स होते हैं, एंड यूजर से क्या मुराद है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, हमारे पास नेवी यूजर कौन से हैं और सोफिकेटेड यूजर से क्या मुराद है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो यूजर्स हैं डिफरेंट, उसमें पहला जो यूजर है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर आर द पीपल हु क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोग्रामर से मुराद ऐसे लोग हैं जो आपकी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स डिजाइन द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर आर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। और ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट वो डेटाबेस क्रिएट करते हैं और या कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। इन जो है इनको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं। इसके बाद द सेकंड कैटेगरी ऑफ द यूजर इज द एंड यूजर। अब एंड यूजर क्या है? सेकंड कैटेगरी ऑफ डेटाबेस यूजर आर द एंड यूजर। दिस ग्रुप ऑफ यूजर कंटेन द पीपल हु यूज द डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। हमने
पहला जो यूजर देखा दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। और मैंने आप लोगों को बताया कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर से मुराद ऐसे लोग हैं जो आपकी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर और द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अब वो जो एप्लीकेशन बन गई है, जो लोग उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे दैट इज नोन एज द एंड यूजर। वो हमारे एंड यूजर हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने एप्लीकेशन बनाई है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेवी यूजर्स हैं। अब नेवी यूजर्स कौन से हैं? नेवी यूजर्स आर द यूजर्स हु ओनली यूज द डेटाबेस। ये ऐसे यूजर हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को यूज करते हैं। दिस ग्रुप हैव नो इंटरेक्शन, इस ग्रुप की कोई इंटरेक्शन नहीं होती विद अदर पार्ट ऑफ देयर डेटाबेस, किसी और हिस्से के साथ डेटाबेस के, एंड ओनली यूज द प्रोग्राम मेंट फॉर देम। और सिर्फ जितना पोर्शन उनके लिए बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन को इस्तेमाल करते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है उसके लिए उनके लिए वो बेमायने है। दे हैव नॉट टू वरी अबाउट द फर्दर वर्किंग ऑफ द डेटाबेस, और उनको इस बात से भी कोई गर्व नहीं है कि इस डेटाबेस की फर्दर जो वर्किंग है वो क्या होगी। इसके बाद हमारे पास जो अगली कैटेगरी ऑफ यूजर है दैट इज नोन एज द सोफिकेटेड यूजर। अब ये सोफिकेटेड यूजर क्या है? यूजर आर द यूजर हु हैव सम एडिशनल राइट्स ओवर द नेवी यूजर, कि आपके जो नेवी यूजर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को यूज करते हैं, लेकिन जो आपके सोफिकेटेड यूजर हैं वो ना सिर्फ डेटाबेस को यूज करते हैं बल्कि उनके पास कुछ एडिशनल राइट्स भी होते हैं, विच मीन्स दैट दे कैन एक्सेस द डेटाबेस। अब जो नेवी यूजर है दे कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस, वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, बट दे आर यूजिंग द डेटाबेस, वो डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोफिकेटेड यूजर, तो सोफिकेटेड यूजर से मुराद ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ डेटाबेस को यूज करते हैं बल्कि वो डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा इन टू द डेटाबेस ऑफ देयर डिजायर वे। वो अपने तरीके से अपने हिसाब से डेटाबेस के अंदर ना सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं बल्कि अपने हिसाब से उसके अंदर डेटा भी सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारी जो सब कैटेगरी है एंड यूजर की, सोफिकेटेड यूजर, तो ये हमारे पास सोफिकेटेड यूजर है। इसके बाद आखिरी हमारे पास जो यूजर्स की टाइप है दैट इज नोन एज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसको हम जो है डीबीए भी कहते हैं। डी स्टैंड फॉर डेटा, बी स्टैंड फॉर बेस, ए स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। तो डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द डेटाबेस एंड डीबीएमएस। अब ये जो डीबीए होता है ये ऐसा यूजर है कि ये आपकी प्रॉपर जो वर्किंग है डेटाबेस की, कि डेटाबेस स्टार्ट हो गई, डेटाबेस स्टॉप हो गई, डेटाबेस को मेंटेन करना है, डेटाबेस का बैकअप लेना है, ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीबीए। ये जो सारी की सारी जिम्मेदारी है ये हमारा डीबीए परफॉर्म करता है। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डीबीए पोजिशन अ डीबीए नीड वेस्ट एक्सपीरियंस एंड वेरी एलिगेंट टेक्निकल स्किल। उसके पास जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटाबेस को हैंडल करने का, और उसके पास डेटाबेस को हैंडल करने के लिए टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। तो ये हमारा आखिरी यूजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ यूजर डेटाबेस के हवाले से, जिसमें मैंने आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का बताया, एंड यूजर का बताया हु आर यूजिंग द डेटाबेस, नेवी यूजर का बताया दे आर ओनली यूजिंग द डेटाबेस सोफिकेटेड, दे हैव सम एडिशनल राइट्स ओवर डेटाबेस, और उसके बाद लास्ट के अंदर हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को देखा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ यूजर्स हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो डीबीए है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे भी बताया कि वो प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ द डेटाबेस है। तो हम कुछ उसकी जिम्मेदारियां देख लेते हैं जो डीबीए परफॉर्म करता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रांटिंग डेटा एक्सेस। अब हमारे जो बाकी के यूजर हैं जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं
जिसमें हमारे पास नेवी यूजर है, सोफिकेटेड यूजर है, वो उनको एक्सेस या राइट्स की जो ग्रांटिंग है कि किस बंदे को कौन से राइट्स होंगे, ये हमारा डीबीए परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास रूटीन मेंटेनेंस, अगर डेटाबेस के अंदर कोई रूटीन मेंटेनेंस के हवाले से काम है तो वो भी डीबीए परफॉर्म करेगा। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस बैकअप है कि अगर डेटाबेस का बैकअप लेना है तो वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ही जिम्मेदारी है। इसके बाद हमारे पास मॉनिटरिंग द डिस्क स्पेस के, अगर हमारे पास जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है तो वहां पे जो डिस्क की अवेलेबिलिटी है स्पेस की, वो उसको मॉनिटर करना कि डिस्क अगर फुल हो जाए तो वो टाइमली जो है वो कंपनी को बताया का दे कैन परचेज द न्यू हार्ड डिस्क या जो भी करना है वट एवर, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो वो जो है डेटाबेस की जिम्मेदारी है डिस्क स्पेस के हवाले से भी। इसके बाद मॉनिटरिंग द जॉब रनिंग, कि कौन कौन सी जॉब डेटाबेस के ऊपर इस वक्त रन हो रही है, इसको भी मॉनिटर करना जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। इसके बाद लास्ट में है मैनेजिंग प्रिंटिंग जॉब, कि अब बहुत सारी जब एप्लीकेशंस चल रही होती हैं तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं तो उसके साथ वो कुछ प्रिंटिंग कमांड्स भी देते हैं, तो उसको मैनेज करना ये भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आप लोगों को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके साथ हमारे डेटाबेस के जो यूजर्स हैं उनके बारे में बखूबी इलम हो गया होगा और यकीनन आपने आज की क्लास से कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों आज की क्लास खत्म करने से पहले हम लोग क्विकली एक समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की है यूजर्स ऑफ डेटाबेस के हवाले से कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं, उसके साथ ही हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स देखे डेटाबेस के और आखिर के अंदर हमने ड्यूटीज देखी उन यूजर्स के हवाले से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों अगर आपको मेरी ये सीरीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, और कमेंट जरूर किया करें मेरी वीडियोस के ऊपर ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली जो है वो जवाब दे सकूं, क्योंकि मेरे पास भी वर्कलोड ज्यादा होता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले आ जाए, तो आप जो है वो पेशेंस के साथ जो है वो थोड़ा सब्र तहमुल के साथ इंतजार करेंगे। उसके बाद दोस्तों आखिर में यही गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सके। दोस्तों मिलते हैं अगली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।